कैसी लगी साहिब की स्पीच आयरा? बहुत मस्त बोलते हैं सब। क्या कॉन्फिडेंस है सर का, एक मिनट में पूरी जनता मुट्ठी के अंदर। इसीलिए तो बोला कि उनकी स्पीच में से कुछ लाइनें मेरी स्पीच में भी होनी चाहिए, ताकि लोगों को लगना तो चाहिए कस्तूरी सत्य और राज्य वड़कर बात कर रही है। बिल्कुल मैम, अब आप देखिए मैं क्या परफेक्ट स्पीच रेडी करती हूँ आपके लिए। इनफैक्ट मैम मैं ना अभी कुछ लाइनें रिकॉर्ड करती हूँ। ओके गुड गुड, करो करो, अच्छे से करो। मैं कस्तूरी राज्यवर्धकर इस समाज और यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारी चीजें करना चाहती हूँ। हेलो कस्तूरी राज्यवर्धकर, तुझे क्या लगता है, अंकिता राव को हटा दिया तो तू खुद सीएम बन जाएगी? कौन बोल रहा है ये? पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स खेलना है ना तो सुन, मैं जानता हूँ तूने कैसे अंकिता को फंसाया है, उसके ऑफिस में पैसों का बैग कैसे रखवाया, किससे रखवाया। उस आदमी के फिंगरप्रिंट्स तो हमें मिल गए बैग पर, तेरे भी जल्द मिल जाएंगे। तू तो गई कस्तूरी, तुझे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करूंगा मैं। वो भी पैर दबवा रही है ना, वो छोड़ और सर दबवा, क्योंकि वो फटने वाला है। जेल में तो एकदम मुरझा जाएगी रानी, ना कोई सुख ना कोई सुविधा ना आराम, तेरी उन बदनाम गलियों से भी बदतर। आयरा मैम जस्ट 2 मिनट्स, तेरी उल्टी गिनती शुरू कस्तूरी। बकवास बंद कर अपनी, जानता भी है कौन है हम? ये चल चल हम वाली, तूने सत्या को पहचाना नहीं क्या? हाँ तेरी इस मुश्किल में तेरे साथ खड़ा रहेगा कस्तूरी। कस्तूरी तेरी कुर्सी तुझे मिलने से पहले ही छीन लेगा वो, भूखा है, लालची है, मीना है वो। और इतना तो तू भी जानती है ना, तू तो गई रे कस्तूरी, तू तो गई। कस्तूरी राज्यवर्धकर के बिना इस प्रदेश में जीना मुश्किल है। मैम क्या हुआ, अब ठीक है? मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? तुम ये पूरा प्रिपेयर करके दे दोगे? हाँ बिल्कुल मैम। ओके अशोक, तुम जहां भी हो अभी के अभी यहाँ आ जाओ। ये शहर छोड़ के अभी कहीं दूर चले जाओ, और जब तक मैं ना कहूं वापस मत आना। समझे? क्या बात कर रही है वो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कौन है ये आदमी? कहीं वही तो नहीं जिसने पैसे रखे थे? इसका पीछा करना पड़ेगा, पर फेस बदल कर। समझे के नहीं समझे? आ तो मुंह से जोर से बोलना। हाँ
क्या हुआ? जल्दी से घर चलो और सामान पैक करो, हमें कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर जाना है। पर क्यों? कस्तूरी ने इसे अंडरग्राउंड होने के लिए कहा है। तुम यहीं खेलो घर के बाहर, कहीं जाना मत, तब तक मम्मी पापा सामान पैक कर रहे हैं। इसके यूनिट टेस्ट शुरू होने वाले, तुम्हें जिंदा रहना है कि नहीं। कस्तूरी की धमकी से डर गया लगता है। अब आर्या की बारी। इसका बयान उगलवाने का और सत्य और कस्तूरी को एक्सपोज करने का एक ही तरीका है। तुम्हें निकलना है, जल्दी करो। चलो बिट्टू, कुछ अकेला यही तो खेल रहा था। बिट्टू, बिट्टू, हेलो। तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। क्या क्या हुआ? किसका फोन है? अगर अपना बच्चा वापस चाहते हो तो उसकी एक छोटी सी कीमत है। तुम्हें पूरी दुनिया को जाकर सच बताना होगा। कौन सा सच? कि अंकिता जी के ऑफिस में वो पैसे तुमने रखे थे, कस्तूरी और सत्या के कहने पर। एक घंटा है तुम्हारे पास, वरना भूल जाना कि कभी तुम्हारा कोई बेटा भी था। अच्छा, इसकी क्या गारंटी है कि मेरा बच्चा तुम्हारे पास है? मैसेज चेक कर। ये क्या किया आपने? बिट्टू, पुलिस की हेल्प करने के लिए थैंक यू। और सुन, आज के बाद कोई कितनी भी चॉकलेट्स क्यों ना दे, पुलिस की हेल्प करनी है ये भी क्यों ना कहे, कभी किसी के साथ अकेले नहीं जाना। ओके, मुझे बिट्टू चाहिए। आप भाऊ साहब को बोलो, वहीनी साहब से भीख मांग लो, मुझे मेरा बिट्टू ला दो, मुझे बिट्टू चाहिए। अगर उन्हें बता दिया तो बिट्टू कभी वापस नहीं आएगा। वो अपना नाम छुपाने के लिए खुद हमारे बिट्टू को मार डालेंगे। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरा बिट्टू चाहिए। उसे बचा लो, उसे बचा लो। नीले रिपोर्ट का क्या हुआ? मैंने फास्ट ट्रैक करने को कहा था ना, जल्दी भेजो प्लीज। हेलो युग, वो आदमी पकड़ा गया है जिसने मेरे ऑफिस में पैसे रखे थे। तुम जहां भी हो फौरन ऑफिस आ जाओ। वो जी, मैं कॉल बैक करता हूँ। युग, मेरे साथ पुलिस स्टेशन आओ। पुलिस स्टेशन क्यों? किसी ने कन्फेस किया है कि उसने अंकिता के ऑफिस में पैसे रखे हैं। आओ मेरे साथ। ये मैडम की ऑफिस से जो भी पैसा बरामद हुआ था वो उनका नहीं है, बल्कि किसी ने जानबूझकर रखा था उनको बदनाम करने के लिए, ताकि इलेक्शन नजदीक में है और उनको बदनाम कर सके। और जिसने भी ये गंदी हरकत की है वो हमारी हिरासत में है, और वो ये है। आपने मुख्यमंत्री अंकिता राव जी के ऑफिस में पैसे किसके कहने पे रखे हैं? क्या ये मैडम सीएम को बदनाम करने की साजिश थी? अपोजिशन पार्टी के कहने पे किया, बोलिए, जवाब दीजिए। वो 10 करोड़ रुपए अंकिता मैडम के नहीं है। वो मैंने ही उनके ऑफिस में रखे थे, मुझे वो पैसे रखने के लिए कहा गया था। किसने कहा था तुम्हें ये सब करना? कम ऑन, बताओ किसके कहने पे तुमने ये सब किया था? Just say it. वो आदमी आपका खास है, आपके अंडर में जो है नीलेश गायकर। ये झूठ क्यों बोल रहा है? नीलेश गायकर ने ही मुझे 10 करोड़ रुपए दिए थे अंकिता मैडम के ऑफिस में रखने के लिए। पार्टी में अंकिता मैडम के बाद अगर सीएम का कोई दावेदार है तो वो खुद है, और वो चाहते थे कि इस बार सीएम की कुर्सी उन्हें मिले, इसलिए उन्होंने ये सब प्लान किया।
इसने तो पूरी बाजी ही पलट दी। कस्तूरी मैडम, ये जो पैसों की धांधली हुई है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? सत्या सर, आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? इस पे आपका क्या कहना है? नमस्कार अंकिता जी, बहुत प्रॉब्लम हो गया ना, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि अंकिता जी का नाम इस मामले में क्लियर हो गया। अभी हम लोग जनता के सेवक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है ना, उसको जड़ से उखाड़ के फेंके, बराबर। और ये तो इनकी पार्टी का किया हुआ है, तो इनको तो पहले अपनी घर की गंदगी साफ करनी होगी। और मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या जवाब देंगे उसका। मुझे सफाई अभियान की सलाह देने की जरूरत नहीं है, मैं करप्शन के खिलाफ थी और हमेशा रहूंगी। अरे वाह, गुनेगार मेरी पार्टी से है तो उसे सजा भी मैं ही दूंगी। मीडिया और जनता को ये मेरा वचन है। अच्छा है, हाँ बहुत अच्छा ख्याल है। आज एक बार फिर ये सत्या पब्लिक की नजरों में हीरो बन गया। एक मिनट साहब, एक मिनट, आपका फोन। साहब, एक मिनट बात करने दीजिए। एक बार के लिए मुझे अपने माँ बाप से बात करने दीजिए, वो गांव में रहते हैं। मेरी माँ को कैंसर है। दो मिनट बात करने दीजिए। ओके ठीक है, लेकिन दो मिनट से ज्यादा नहीं। हेलो, क्यों नहीं बताया पुलिस को कि वो पैसे रखने के लिए सत्य और कस्तूरी ने कहा था? ये जेल जाने से पहले परिवार को छोड़ के फोन पे किससे बात कर रहा है? मैंने अंकिता मैडम को बचा लिया, तुमने जैसा कहा मैंने वैसे ही किया। मेरे बिट्टू को लौटा दो। देखो मेरे बिट्टू को छोड़ दीजिए, हाथ जोड़ रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत है। रोड के साइड में खड़ी हुई एक ग्रे कलर की कार में, उसे ले जाइएगा यहाँ से। ये बाइकर यहाँ भी? ओ नो, भाग आर्या। फोन को मैं लेने भी नहीं जा सकता, अगर गई तो पकड़ी जाऊंगी। सर, फोन तो सर किसी फॉल्स आईडी पर है, ना बंदे का नाम, ना डिटेल, कुछ भी नहीं है सर। पर सर, एक बात बोलूं, वॉइस बदल कर सर बात की जा रही है। अच्छा, इतना ध्यान दिया जा रहा है कि कोई भी आवाज को ना पहचाने? कॉल्स और मैसेजेस? सर एक मिनट से देखता हूँ। सर नो मैसेजेस या कोई कांटेक्ट, कुछ भी सर स्टोर नहीं है सर। सर पर सर एक कोई अशोक है, उनको कॉल की गई है, और एक कॉल सर कोई कस्तूरी जी को की गई है सर। अननोन नंबर से फोन उठाया। फिर सर वो गलती से उठ गया था। गलती से उठा, ठीक है, तेरे को फोन पे धमकी दिया तो काय को नहीं बताया मेरे को? साहिब वो मुझे लगा मेरी गलती है। हाँ? आप खामखा गुस्सा होंगे तो मैं खुद से मैनेज कर लूंगी। अरे वाह, खुद से मैनेज कर लूंगी।
सर मैं ट्रेस तो कर चुका हूँ और ज्यादातर सिग्नल भाव साहब के घर के आसपास का दिख रहा है। और सर सी सर एक दो बार ये अशोक के घर के आसपास का भी दिखा है सर। पुलिस स्टेशन जो चल रहा था ना ठीक सारी टाइमलाइन उसी के साथ सर मैच कर रही है। और सर ताजुब की बात तो ये है ये सब राज बढ़कर रेसिडेंसी के आसपास चल रहा था सारी लोकेशन पिन वहीं की। सत्या के घर से या उसके आसपास से कौन कॉल्स कर रहा था वो भी आवाज बदलकर। सीएम का जो नॉमिनेशन है वो मैंने तेरे को दिला है खुद नहीं मिला है तेरे को तो क्या रातों रात इतनी अक्कल आ गई तेरे को। अरे आपको तो इतना भी नहीं मालूम है कि कपड़े के बैग के ऊपर फिंगरप्रिंट नहीं आने की ये फालतू की धमकी के बारे में मेरे को बताया होता तो बोलता मैं तेरे को कि कोई एड़ा है हवा में फेंक रहा है और तू पकड़ रही है। नहीं ये जो भी है बहुत शातिर है और मुझे उसे किसी भी हालत में पकड़ना ही होगा। एक काम कर घर और उसके आसपास का जितना भी सीसीटीवी फुटेज है मुझे निकाल के दे। डन सर। मुझे किसी भी हालत पता करना है बंदा कौन है कौन हो सकता है जो घर के अंदर घुसा। वो डीएनए रिपोर्ट आया क्या वो जो नाइफ पे खून लगा हुआ था मास्क वाला आदमी था। सर 5 मिनट सर मेल करता हूँ आपने। ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना आदमी वो आदमी की कब्र खोद देते और ठीक उसके बाजू में मेरी कब्र खुदती। क्यों? क्योंकि हम साथ हैं तो जिस्म एक जान है। कस्तूरी तो मैंने संभाल लिया और ना अपन दोनों जेल में होते वो जगह पे जहां मेरे को कभी वापस नहीं जाने थे। अशोक सुन मैं क्या बोल रहा हूं अगर तूने मेरा नाम लिया ना तो मेरे जो आदमी लोग हैं वो तेरे माँ बाप के गांव में उनके घर के बाहर अभी खड़े अगर मेरे को हथकड़ी लगी तो तेरे मम्मी पापा का राम नाम सत्य होने का इमीडिएटली। तेरे को मालूम है ना अगर ये मैटर मैंने नहीं संभाला होता तो बहुत गड़बड़ हो जाती। देख ये अपनी जो राजनीति है ना ये खेल है ये में पूरा लेकिन सत्ता के साथ अपन नहीं खेल सकते वो डेंजर कहाँ है। ये अपन लोग हार के भी जीत गए नसीब अच्छा है अपना नहीं तो फुल वाट थी सबकी। सॉरी सर आगे से ऐसी गलती नहीं होगी जो भी बात हो गई छोटी बड़ी कुछ भी आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी प्रॉमिस। पब्लिक है ना उसका ध्यान बहुत जल्दी भटकता है अभी हटाना पड़ेगा ये बात से। वो लोग का फोकस पूरा अभी अंकिता पे चले गए। चल छोड़ कर मत कर करेगा मैं कुछ होली है ना तो राज्य बढ़कर सार्वजनिक होली महोत्सव करेगा अलग अलग प्रांतों के लोगों को बुलाने का होली मनाने का तो लोग का फोकस अपने पे वापस आएगा और अपनी जो थोड़ी इमेज है ना वो बदल के लोगों के सामने आएगी। आयरा कहाँ थी तुम वो होली की सब तैयारी करनी है होली मैम मैं होली की प्लानिंग कर रही थी वैसे स्पीचेस तो मैंने दिवाली तक की रेडी कर रखी है लेकिन मैम होली के लिए मैं सोच रही थी कि हमें ऑर्गेनिक जैविक रंगों से होली खेलनी चाहिए बस वही लाने गई थी मैम आप एक पब्लिक फिगर है लोग आपको देखते हैं सुनते हैं तो अच्छा होगा है ना। और एक चीज मैम इस बार ना हम हमारी जो होली की स्पीच है उसमें हम हमारे किसानों के बारे में बात करेंगे उनका मुद्दा उठाएंगे और इसीलिए हम ड्राई होली सूखी होली खेलेंगे पानी की बचत होगी सूखे से पीड़ित किसानों की हमें हमदर्दी मिलेगी और साथ ही साथ पर्यावरण को जो फायदा होगा वो तो सोने पे सुहागा। वो
ओके मैम? इतनी सी हो लेकिन कितना कुछ सोच लेती हो. लेकिन आयरा एक बात, जो भी करना सब ठीक होना चाहिए, साहिब नाराज नहीं होने चाहिए. हो मुझे अपने उस सीक्रेट फोन की चिंता हो रही है, पता नहीं युग उसका क्या कर रहा होगा. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.